हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लैक फुटेड फेरेट, काले पैरों वाला फेरेट। इसे अमेरिकी ध्रुवीय बिल्ली या प्रेरी डॉग हंटर के नाम से पहचानते हैं। यह नेवले की ही एक प्रजाति है। यह मध्य उत्तरी अमेरिका मूल स्थानीय प्रजाति है। इसकी आबादी बहुत कम होने की वजह से इसे लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे पहली बार 1982 में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद 1996 में IUCN रेड लिस्ट में इस प्रजाति जंगल से विलुप्त घोषित, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कर दिया गया था। 2008 में IUCN रेड लिस्ट में काले पैरों वाला फेरेट को पुनः लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया। हमने कहा कि ब्लैक फुटेड फेरेट लुप्त प्राय प्रजाति है, तो हमें पता होना चाहिए लुप्त प्राय क्या होती है। किसी प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध करने के आधार इस प्रकार है। इस श्रेणी में आने वाले प्रजाति में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम होता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रजाति की जनसंख्या में 70% की गिरावट हुई है। वर्तमान में जनसंख्या 250 से कम रह गया है, यानी कि 250 से कम रह गया है। हाल ही में ब्लैक फुटेड फेरेट बहुत ही चर्चा में रहा है। अब ये चर्चा रहने की वजह यह है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इंडेंजर्ड ब्लैक फुटेड फेरेट का क्लोन तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। क्लोन तैयार करने के लिए एक डेड ब्लैक फुटेड फेरेट की जमी हुई सेल का उपयोग किया गया है। इस क्लोन का नाम एलिजाबेथ रखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी लुप्तप्राय प्रजाति का क्लोन बनाया गया है। ब्लैक फुटेड फेरेट को पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य आनुवांशिक विविधता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। धन्यवाद दोस्तों।